हाई कोर्ट के निरीक्षक जज ने शनिवार की संध्या अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मंच हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक किया तथा उनके समस्याओं की जानकारी ली। मौके पर अधिवक्ताओं ने नवनिर्मित कोर्ट भवन के उद्घाटन सहित अन्य प्रमुख मांगों से अवगत कराते हुए निदान की मांगें रखी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने पत्रकारों तथा पीड़ित आवेदकों को गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। निरीक्षी न्यायाधीश के प्रवेश करते ही स्थानीय प्रशासन ने मुख्य द्वार बंद कर दी तथा खबर कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों एवं पीड़ित आवेदकों को सख्ती के साथ रोक दिया। जबकि जिले के अन्य जगहों पर जज के निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मी को नहीं रोका गया था। वहीं निरीक्षण के उपरांत निरीक्षी न्यायाधीश प्रवेश द्वार से निकल रहे थे तभी एक महिला एवं पुलिस के साथ धक्का मुक्की होते देख गाड़ी को रोक दिया एवं धक्का मुक्की की जानकारी ली। इस दौरान न्याय की आस लिए महिला पुलिस से उलझी वीरपुर प्रखंड की रेप पीड़िता ने जिला पुलिस कप्तान के नाम लिखे आवेदन देकर मामले में स्थानीय पुलिस की कार्यशैली की पोल खोलकर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि स्थानीय प्रशासन उक्त पीड़िता को निरीक्षण न्यायाधीश से मिलने नहीं देना चाहती थी, बावजूद इसके पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी तथा व्यवहार न्यायालय के आसपास डटी रही। तभी निरीक्षी न्यायाधीश के निरीक्षण उपरांत निकलते ही उसके सब्र का बांध टूट गया तथा पीड़िता निरीक्षण न्यायाधीश से मिलने एवं आवेदन प्रस्तुत करने के लिए महिला पुलिस से भिड़ गई। जबकि महिला पुलिस एवं पीड़िता में धक्का मुक्की होते देख निरीक्षण न्यायाधीश ने गाड़ी स्वयं रोककर मामले की जानकारी ली। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।